ये तुम्हारी इस महीने की पेमेंट। थैंक यू सर, पर अभी महीना हुआ नहीं था, बाद में भी देते तो चलता। अरे नहीं, कल से अखबार बंद, अब मत लाना। सर आप 10 साल से अखबार ले रहे हैं, अचानक से क्या हो गया? आजकल अखबार पढ़ता ही कौन है, इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, मोबाइल पे 10 तरह के ऐप हैं, सोशल मीडिया है, इन सब से खबर मिल ही जाती है, तो फिर अखबार पढ़ने की क्या जरूरत? न्यूज़पेपर की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। सर वैल्यू भी है और जरूरी भी। खबर का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं। और क्या आपको वाकई लगता है उन सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी पा रही है? दिन रात बस एक ही टॉपिक पर 4 लोग न्यूज रूम में बैठकर बहस करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और आप उसे न्यूज मानते हैं। आपके पास ऑप्शन है ना चैनल चेंज करने का, लेकिन बाकी चैनल्स पर भी यही सब चल रहा है ना सर, बस ब्रेकिंग न्यूज की रेस लगी हुई है। और सूत्रों के हवाले से अगर आप तक कोई झूठी खबर पहुंच भी जाए तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? और कौन है इनके सूत्र जो अफवाहों को सच की शक्ल दे देते हैं? कुछ न्यूज चैनल और रिपोर्टर सच दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, कोई कॉरपोरेट आके उन्हें खरीद लेता है, और जो नहीं बिकते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और सोशल मीडिया पर भी बिना वेरिफिकेशन के कोई कुछ भी बोले जा रहा है, उन्हें क्या लेना देना, उन्हें लाइक और कमेंट्स मिल गए बस। आपके इमोशन से लेकर आपके ट्रिगर होने तक का फायदा उठाया जा रहा है, और आप इसे न्यूज मानते हैं। मैं मानता हूं अखबारों में ऐड होते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चे कुछ एड्स के वजह से तो अखबार चल पा रहे हैं और आपको 4-5 रुपए में मिल जाते हैं। इन्हीं एड्स के बगल में ये खबरें भी होती हैं जो आपको समाज, दुनिया, देश और आपको आपके मुद्दों से जोड़े रखती हैं। और यही मुद्दे प्रशासन को उनके कामों का आईना दिखाते हैं। क्या बाकी न्यूज सोर्सेज से ये पॉसिबल है? नहीं ना। और आज भी कुछ लोग वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए इन अखबारों पर डिपेंड हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ ब्रेकिंग न्यूज की रेस नहीं चल रही है। और आज भी इस देश में 22 अलग अलग भाषाओं में 40 करोड़ से भी ज्यादा अखबार छपते हैं, और आप भूल रहे हैं सर, इन अखबारों ने आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान दिया है, और आजादी के बाद भी सरकारें उखाड़ फेंकी, इसलिए इनकी वैल्यू भी है और जरूरत भी। अरे सुनो, अखबार। और हाँ, अब से इस घर में अखबार कभी बंद नहीं होगा। अरे सुनो, ये अखबार बांटने का काम तो सुबह ही हो जाता है, बाकी टाइम क्या करते हो? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर, इन्हीं अखबारों से।